गाइस आज की तारीख है 20 और अभी भी सो के उठे हैं और ये हमारा जो है कूलर हो चुका है खराब। तो ये राकेश जी आए हैं हमारे यहाँ कूलर चेक करने के लिए। अभी पता चला है कि इसकी जो है मोटर खराब हो चुकी है। मैं सोच रहा हूँ पहले चल के नहा ही लूँ, एक बार फ्रेश हो लिया जाए तो फिर अच्छा लगता है। चेक करते हैं एक बार कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट वगैरह पे कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, और कुछ सामान भी खरीदना है तो एक बार चेक करते हैं क्योंकि आज 20 तारीख है, कुछ छूट वगैरह मिलनी थी। डब्लू क्या बनाया आज? राजमा चावल रायता। तो डब्लू 3 दिन बाद अपने को 1 महीना हो जाएगा लखनऊ में आए हुए। अच्छा वो 23 को आ गए थे, 24 को तो हम लोग दिल्ली और ना हम लोग दिल्ली के वही 50 गज के मकान में अभी तक रह रहे होते नहीं। और घूम रहे होते इस कमरे से उस कमरे में। यो तो ये बन गया अपना राजमा और ये सिरके वाली प्याज। सिलेंडर का पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। राकेश जी जो है पंखा बना रहे हैं हमारे बाथरूम का। A few inches later. तो गाइस नहा धोकर के आ चुके हैं और खाना खाने का अभी प्लानिंग चल रही है। तो आज शाम को जाना हमें डॉक्टर के पास। कहाँ जाना? महानगर। तो महानगर चलेंगे और फिर दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी अभी खबर आई कि भाई योगी आदित्यनाथ जी के फादर एक्सपायर हो गए हैं और काफ़ी दुखद बात है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो है वो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे। अपने काम के लिए ऐसा मोटिवेशन दिखाना भाई सबके बस की बात नहीं है। ग्रेट पर्सनैलिटी, मदद करने का एक और लेवल मैंने बढ़ा दिया है। और मैंने बोला कि भाई अब मैं पोछा तो लगा ही रहा हूँ और दिन में एक टाइम का बर्तन ही मैं ही धोऊंगा। बर्तन हो चुके हैं एकदम साफ, चकाचक एकदम कर दिया गया है किचन। दोस्तों इस तरह से आप लेडीज की हेल्प कर सकते हैं क्योंकि दिन भर वो बेचारी पूरा काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना है सब कुछ देखना है। तो अगर हम थोड़ा सा हाथ बटा देंगे तो ऐसे बुरा ही क्या है। तो टाइम हो गया है आराम करने के, आप लोगों को मिलते हैं शाम को। वो तो हम लोग निकल चुके हैं गाइस, जा रहे हैं इस वक्त डॉक्टर के पास और हम लोग चल रहे हैं इस वक्त महानगर क्योंकि वहीं पर हैं डॉक्टर। ये दोस्तों आप लोगों को ले चलता हूँ अपने पुराने स्कूल जहाँ पे मैंने कक्षा 2 से कक्षा 8 तक पढ़ा है। यस 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 यस, ये हुआ करती थी हम लोगों की दुकान, ये परचून की दुकान थी। और ये साइड में लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है CMS जो लखनऊ का काफ़ी फेमस। अच्छा काफ़ी मतलब ऊपर बन गया है। यहाँ पे पहले टीन शेड पड़ा रहता था और इधर ऊपर क्लासेस थी, एक फ्लोर का ही क्लास था, ये ऑफिस था इधर। ये बेसिकली इंदिरा नगर वाली ब्रांच है और इसकी 3 बिल्डिंग है। ये मेन बिल्डिंग है, एक आगे जा कर के राइट में ओल्ड बिल्डिंग है और एक इधर पीछे न्यू बिल्डिंग है। तो वो चल के दिखाता हूँ आप लोगों को। बिल्डिंग है बेसिकली घर में ही बनाया था इन लोगों ने। कब पढ़ता था मैं इसमें डब्लू? 91 में। मुझे क्या पता कब आप पढ़ते थे। 91 से 97 तक मैं इसमें पढ़ा हूँ। अच्छा ये है न्यू बिल्डिंग दोस्तों, बहुत दूर नहीं एकदम पास में ही है। ये न्यू बिल्डिंग थी, अभी भी मेरे ख्याल से न्यू बिल्डिंग ही होगी। ये आज भी वैसे ही दिख रही है मुझे। और उसमें जो एक फोटो तुमने देखी है ना जिसमें सारे बच्चों के साथ फोटो है स्कूल वाली, वो इसी जगह खींची हुई थी। कुछ क्लास वहाँ चलती है, कुछ क्लास यहाँ चलती है, कुछ क्लास वहाँ चलती है। तो ये तो था दोस्तों अपना स्कूल सिटी मॉन्टेसरी स्कूल इंदिरा नगर ब्रांच। तो इक्का दुक्का लोग जो है सड़क पे दिखी जा रहे हैं, कोई किसी जरूरत के लिए जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। जहाँ लोग यहाँ रहते थे तब ये पुल नहीं बना था। दिल्ली में तो मतलब कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब सांस लेना भी मुश्किल है, उतनी अभी बुरी हालत लखनऊ की नहीं हुई है। और ये हम लोग आ गए हैं दोस्तों बादशाह नगर सिनेमा, वो करता था उमराव सिनेमा यहाँ पे राइट साइड में इसी पुल के नीचे। तो अब उसको तोड़ करके जो है उमराव मॉल बना दिया गया है। अपने शहर में घूमने का एक आनंद ही अलग है दोस्तों, वो पुरानी गलियां, वो पुराने मोहल्ले, वाह। तो गाइस डॉक्टर को दिखा लिए हैं, थोड़ा टाइम लग गया, 1.5 घंटे लग गए। अब चल रहे हैं घर, घर चलते चलते जो है कुछ सामान भी ले रहे हैं रास्ते में तो वो लेंगे। हम लोग अलीगंज आ गए हैं। चलो अब इतना पास आ गए तो तुमको गेसवी देखकर दिखा ही देते हैं। तो भाई यहाँ पर आए तो एक बार कानी आमी के भी घर भी हो लिया जाए या देखा जाए क्या हालचाल है। पुरानी गलियों को एक्सप्लोर किया जा रहा है दोस्तों। तो ये है कानी आमी का घर, वाह आज भी ऐसा ही है। तो ये बगल वाला भी इन्हीं का प्लॉट था, ये जो बगल में है ना वो खुला हुआ था। हाँ ये भी इन्हीं का ही है। The next day. तो आज है नेक्स्ट मॉर्निंग और आज सुबह सुबह हम लोग गए थे नर्सरी, तो वहाँ से कुछ प्लांट्स वगैरह खरीद कर आए हैं। ये हमने 6 गमले लिए हैं, ये 50-50 रुपए के एक पड़े हैं। प्लांट्स हैं जो कि पूरा 1200-1300 के रेंज में पड़ा है पूरा सब मिला करके। तो नहा धो करके हो चुके हैं एकदम टिंच और आइए देखते हैं क्या बना हुआ है किचन में। कुछ स्पेशली बनने वाला है आज। तो काफी दिनों से डिमांड आ रही थी भाई छोले भटूरे बनने चाहिए, आज फिर बनी उठाने का, चल छोले भटूरे बनवाए जाए। ये जब तक मैं गमले का काम कर रहा था यहाँ पर देख रहा हूँ कि सब कुछ रेडी हो चुका है, सिर्फ भटूरा तलना बचा हुआ है। और ये भटूरा बनाया जा रहा है जबरदस्त,
डब्लू वैसे बनाओ जैसे दुकान वाले बनाते हैं, हाथ पे पकड़ के चट 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 ऐसे घुमाई डालती। और यहाँ भटूरा बन चुका है ये भाई, वाह तैयार है अपना छोला। A few moments later. तो गाइस मतलब छोले भटूरे खा के ऐसी नींद आई ना, मतलब मज़ा आ गया। 2 बजे सोया हूँ और 4:30 बजे उठा हूँ, मतलब 2.5 घंटे एकदम ज़बरदस्त नींद। तो गाइस हम चले एक बार फिर से छत पे, पसीना बहाने, देख लेना कहीं बंदा वंदा ना हो। क्या मज़ा आया था छत पे आने के बाद। ये देखिए दोस्तों कितना बड़ा हो गया आम, वाह। अरे तनेजा जी का वीडियो कहाँ भाई, कुछ अपडेट नहीं भाई। तनेजा जी का अगर वीडियो ना देखा ना शाम को मज़ा नहीं आता, सही बताएं। खाना खाने के बाद डेफिनेटली वेट करते हैं कि वीडियो अपलोड हो रहा होगा, आने वाला होगा, कल पता नहीं, डरा ही नहीं उन्होंने। अच्छा डब्लू कुछ लोग कह रहे हैं भाई बड़ा मजे ले रहे हैं आप लॉकडाउन में, क्या कहना चाहोगी? बस इंजॉय हो रहा है, टाइम पास हो रहा है। टाइम पास करने के लिए रोज एक नई डिश बनाई जाती है जिसके लिए प्रिपरेशन में 1-2 घंटा निकल जाता है, फिर उसको बनाने में 1-2 घंटे, 5-10 मिनट में खा पी के सब खत्म हो जाता है। चलो बर्तन धो हैं। फिर चलो बर्तन धो। इस सवाल का मैं सिंपल सा जवाब देता हूं दोस्तों आप लोगों को। देखिए हम लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की लाइफ तो आपको पता ही कितनी हेक्टिक है, सुबह से शाम तक बस भागना भागना। हम दोनों नौकरी करते हैं, सुबह 9 बजे से रात के बज जाते हैं 10, घर आते आते। तो भाई यही टाइम है हमें थोड़ा सा रिलैक्स करने का, थोड़ा सा एंजॉय करने का फैमिली के साथ। इसमें बुराई क्या है, जब टाइम मिला है तो फिर एंजॉय करो। इसलिए मैं आपको ये बोलता हूँ आप लोग जहाँ रहो जैसे रहो हमेशा खुश रहा करो, पॉजिटिव रहा करो। मैं अगर दिल्ली में भी होता तो वहाँ भी एंजॉय कर रहा होता, लखनऊ में हूँ तो यहाँ भी एंजॉय कर ही रहा हूँ। मेरा नेचर वैसा नहीं है कि भाई मैं रोता रहूँ परेशान रहूँ। मेरे पास अगर सब कुछ है तब भी अच्छा है, कुछ नहीं है तब भी अच्छा है। तो कल हम लोग यहाँ पे आ नहीं पाए थे क्योंकि कल चले गए थे डॉक्टर के पास, तो आज पसीना बहाना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 चिड़िया आउट ऑफ द ग्राउंड गई हैं सारी। तो गाइस आज का कोटा हो चुका है पूरा, काफ़ी कैलोरी हमने बर्न की, अब है कैलोरी बनाने की बारी। अरे बन गया है दोस्तों बर्गर। द नेक्स्ट डे। सो गुड मॉर्निंग गाइस, प्लीज कौन सा डे है आज? आज कौन सा डे हमें खुद नहीं पता इसके बारे में। और हम निकले हुए हैं एक बार फिर से जा रहे हैं स्कूल कुछ ज़रूरी काम से। कल भी हम लोग स्कूल गए थे, कल सैलरीज वगैरह देनी थी स्टाफ की, और आज जा रहे हैं कुछ सामान देने के लिए। वहाँ से फिर जाना है एक बार नर्सरी, तो और गमले और पौधे वगैरह लेने हैं। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो मैं कितना एक्सप्लोर करता कितना मज़ा आता। 4 गोलगप्पे खा खा करके दोस्तों मैं सोच रहा हूँ एक बार ये लॉकडाउन खत्म हो तो फिर आप लोगों को देवा शरीफ का भी दर्शन कराते हैं। देवा में अगर आप कुछ भी मानोगे तो वो मन्नत आपकी जरूर पूरी होगी। नहीं पास ना ले लो, उठाओ जो इच्छा उठा लो सब। ये देखिए ये आए हैं 10 गमले और 2 बोरी मिट्टी लाई गई है, 1 बोरी कल खाद लाए थे तो खाद बची हुई है इसमें। दोस्तों जो बड़े बड़े टुकड़े हैं मिट्टी के उसको हम पहले ऐसे तोड़ लेंगे हथौड़ी से। अब इसमें जो है मिलाई जा रही है खाद। तो गाइस ये हो गई प्रॉपर मिक्सिंग। तो दोस्तों मिट्टी भरने से पहले जो है गिट्टी लगा देंगे हम, ये जो गमले के अंदर जो छेद होता है यहाँ पे एक एक गिट्टी लगा दें। खोल साइड से इसकी पन्नी को निकालेंगे, ये निकाल करके ऐसे डाल दिया जाएगा इसके अंदर और इसके ऊपर फिर से हम मिट्टी भर देंगे। तो ये अपन क्या गमला ऐसे ही तैयार होते हैं गमले। अपना जो है प्लांटेशन हो चुका है और जितने गमले थे सभी में पौधे वगैरह लग गए हैं। जो पुराना एक पौधा था वो भी ख़राब हो रहा था तो उसका भी गमला चेंज कर दिया गया है। यो ये यहाँ से पूरी लाइन चलती चली जा रही है, ये और ये और ये। तो गमले हमारे यहाँ पहले भी थे तो होता क्या कि बंदर की जो टोली आती है सारे गमले हमने तोड़ ताड़ के सब खराब कर देते हैं। फिर से एक बार लगाया गया है, फिर से एक बार हरियाली मेंटेन की गई है। अब कोई काम धाम नहीं है तो यही सब हो रहा है घर में, इन्हीं सबसे टाइम पास किया जा रहा है। तो ये देखिए दोस्तों काफी भरा भरा लग रहा है और अच्छा लग रहा है इस वक्त। तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। कोई खास वीडियो तो बन नहीं रहा है आजकल, तो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना पाछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लेना। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग नए हैं
वो नीचे एक लाल कलर का बटन होता है जिसके ऊपर लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको दबा दें और उसके बगल में घंटे का ऑप्शन होता है टर्न करके उसको भी मार दो। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान ना करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।